मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी, सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत किया रवाना। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर भाजपा नेता वासुदेव देवनानी ने कसा तंज, बताया अंधेर नगरी चौपट राजा। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, मजदूरों की झोपड़ी पर गिरी दीवार, अब तक 7 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन नाम से 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के अनुसार ये 5ों वैन 5 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगी। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा धरियावद और वल्लभ नगर के दौरे पर है। डोटासरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान डोटासरा के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौड़ समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी का हाल बहुत बुरा है। वहीं उन्होंने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत का दावा भी किया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान मौसमी बीमारियों, कोरोना वैक्सीनेशन और जांच तथा ऑक्सीजन प्लांट्स आदि की विभागीय तैयारियों व प्रगति की समीक्षा की गई। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर अपने बयान को लेकर भाजपा नेताओं के निशाने पर है। इस बार डोटासरा की जुबान महात्मा गांधी और सावरकर से जुड़े एक बयान में फिसल गई, जिस पर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने तीखा तंज कसा है। देवनानी ने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार महात्मा गांधी 2015 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। जो इतना अलौकिक ज्ञान रखते हो, उनसे वीर सावरकर और महापुरुषों के इतिहास और शिक्षा व्यवस्था पर कैसे प्रश्न करें। देवनानी ने डोटासरा के इस बयान को लेकर ये भी कहा कि वाह रे कांग्रेस, मतलब गांधी जिंदा है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जोधपुर के दौरे पर हैं। पायलट ने आज यहां सबसे पहले पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के गांव चांडी जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पायलट मीडिया से भी मुखातिब हुए। सचिन पायलट ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे आतंकवाद हो, चीन की घुसपैठ हो या कई अन्य मुद्दे, हर मोर्चे पर केंद्र सरकार फेल हो रही है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, देश में पहली बार हुआ है गैस का सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, 950 रुपये का, पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया। कोई वक्तव्य केंद्र सरकार का नहीं आ रहा कि हम महंगाई को कम करेंगे। इतनी भुखमरी आज पूरे देश, दुनिया में जो भारत की रैंकिंग है हंगर इंडेक्स में, लगातार हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। हर मोर्चे पर उद्योग हो, अर्थव्यवस्था हो, रोजगार पर छेने की बात हो, महंगाई की बात हो, हर जगह यहाँ चीन हमारी बॉर्डर पे आके हम अंदर घुस रहा है, लगातार चेतावनी मिल रही है। कश्मीर में जो हो रहा है, लगातार लोगों को मारा जा रहा है। मुझे डर है कि वो स्थिति पैदा ना हो जाए जो सर 90 के दशक में पैदा हुई। तो हर मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है और इसको जवाबदेही तय करना विपक्ष कानून लोग कर रहे हैं। जनता मैं समझता हूँ समझ चुकी है कि आने वाला समय ये भाजपा के लिए बहुत सुखद होने वाला है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद जौनपुरिया ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। साथ ही प्रत्येक मरीज को 1 किलो घी का पैकेट और 1 लिफाफा भी भेंट किया और मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं सांसद ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और अस्पताल में व्याप्त गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए पीएमओ को जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। पीपलो की झिराना पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में सरपंच अशोक राव की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें पट्टों से संबंधित 127 आवेदन आए, जिनमें से 66 लोगों को मौके पर ही पट्टे दिए गए तो उनके चेहरे खिल उठे। शेष रहे पट्टे दिए जाने के आवेदनों की प्रक्रिया जारी है। पट्टों का वितरण उपखंड अधिकारी रवि वर्मा एवं जिला परिषद सदस्य छोगालाल गुर्जर के हाथों कराया गया। इस अवसर पर पीपलू पंचायत समिति उप प्रधान दुर्गा देवी राव, विकास अधिकारी सविता राठौड़, तहसीलदार नारायण राम, नायब तहसीलदार राम भरोसे समेत 19 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
सीकर रोड स्थित मिरेकस रिसोर्ट पर लॉयंस क्लब जयपुर ग्रीन ने डांडिया उत्सव का आयोजन किया। डांडिया की शुरुआत क्लब के पारिवारिक सदस्यों ने दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर डांडिया उत्सव की शुरुआत की। क्लब अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बताया कि सभी सदस्यों ने गुजराती और फैंसी ड्रेस कोड पहनकर गरबा में शिरकत की। डांडिया में बेस्ट कपल, फैंसी ड्रेस और डांस में विनर रहे प्रतिभागियों को गिफ्ट वाउचर और कई आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर लॉयंस क्लब के संरक्षक सुशांत गोयल, सचिव रतन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राघव माहेश्वरी और कार्यक्रम के आयोजक दीपक गुप्ता, अमित कामदार, अर्जुन गर्ग ने गरबा में शिरकत करने आए लोगों की हौसला अफजाई की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मंगलवार सुबह नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक के चोखुटा गांव में बारिश के दौरान मजदूरों की झोपड़ी पर रिटेनिंग दीवार गिर गई। हादसे में अब तक 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर खैरना में झोपड़ी में पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। मानसून के बाद बेहिसाब बारिश ने कई राज्यों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के लिए अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 2 दिन बारिश के बाद आज से सर्दी का असर बढ़ने लगेगा। उत्तर भारत से हवाओं का रुख दक्षिण की तरफ होने के कारण तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। वहीं आने वाले 1-2 दिन में राजस्थान के उत्तरी हिस्से चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर इलाके में कोहरा भी देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।